अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी गुजर रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की ईद गुजर रही है। यहाँ पे ईद उज़ुहा का पहला दिन है, तो रात से प्लानिंग शुरू हो गई थी और तैयारियाँ शुरू हो गई थी। कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पहले जो ईद, ये 2-3 ईदें गुजरी हैं, तो उसमें बच्चे नहीं जा पाते थे। तो इस दफ़ा रयान रेडी था क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। और ऑन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मॉस्क है उसने आउटडोर अरेंजमेंट किया था एक पार्क में। तो सुबह हम रेडी हुए, रेडी हो के एक फ्रेंड को पिक किया। वो उसने भी प्लान किया था कि हमारे साथ ही जाएगा। तो हम उधर ईदगाह में गए। As well, you know, the reason why people sacrifice after creating a strong bond and relationship with. जाके नमाज पढ़ी, बहुत मज़ा आया, लोगों से मिले, गपशप हुई, बहुत मज़ा आया इधर आउटडोर ईद नमाज पढ़ने का। माशाल्लाह, वाज गुड। फ़ायदा इसमें ये था कि एक तो ओपन एयर है, कोविड की वजह सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वेदर भी बहुत अच्छा था। अमेजिंग। सोशल डिस्टेंसिंग स्टिल इट वाज रिक्वायर्ड, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स गॉट 2 वैक्सीन्स, सो अभी सेफ है, तो स्टिल थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो ईद नमाज पढ़ के फिर जहाँ जिस शॉप पे मैंने कुर्बानी का ऑर्डर दिया हुआ था वहाँ पे गया। अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन इधर कैश एंड कैरी पे आया हूँ। यहाँ से तो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है देना, और मेरा लिस्ट में नंबर है 140 समथिंग। तो चांस तो नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि कितना टाइम होगा। और देखें, थोड़ा पाकिस्तानी मैंगोज भी हैं, देखता हूँ क्या है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पता करेंगे। तो उन्होंने टाइम एस्टिमेटेड था कि आफ्टर 12 जो है ना मिलेगा, लेकिन मैं अर्ली चला गया जस्ट टू सी इफ एवरीथिंग इज एज एक्सपेक्टेड। तो उधर जाके पता चला कि टाइम 12 नहीं है, अबाउट 1:30 के बाद कलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंगोज मुझे नज़र आए, बहुत मज़े के थे, अच्छे थे, देखने में लग रहे थे, तो मैंने वो ले लिए। तो एज़ यूजुअल जैसे डिले होते हैं, तो अभी मैं आया था तो बता रहे हैं कि आफ्टर 1:30 यू कैन कम एंड कलेक्ट मी। सो अभी हुआ है टाइम 12:30 है, तो इंशाल्लाह फिर 1:30 राउंड अबाउट में आऊँगा, आके फिर कलेक्ट करेंगे। घर आके फिर थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों के साथ खेला, खीर खाई, फलूदा खाया, इस तरह की चीज़ें खाई, और करते कराते फिर एक कुछ जो लोकल थे फ्रेंड एंड फैमिली उनको मिला, जो लोकल नहीं थे उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो करते कराते टाइम 1:30 हो गया, तो 1:30 मैं गया तो मुझे पता चला कि नहीं, 1:30 नहीं, 4:00 कलेक्शन हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, मैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा मैं आया हूँ, इट्स नॉट गुड। तो और जो मीट उधर आया हुआ था कर रहे थे, मैंने कहा मैं इधर वेट कर लेता हूँ जाए इसके कि मैं घर जाऊँ और फिर वापस आऊँ, तो इट्स नॉट गुड, इट्स गोना बी हेक्टिक। तो फिर उन्होंने एनी हाउ उन्होंने प्रोसेस किया ऑर्डर और मीट दे दिया। तो मीट लेके फिर मैं घर आ गया। अब जो जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है मीट की, कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक रिश्तेदारों का होता है, एक घर में रखने के लिए होता है, और एक जो नीडी पीपल है उनको दिया जाता है। तो उस तरह 3 प्रोपोर्शन करके तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और साथ ही जो है वो उसको कुकिंग का भी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप बताएं आपका कैसा गुजर रहा है टाइम?
अच्छा, जो हमें जो चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो सीखनी चाहिए, ईद उज़्ज़ोहा जो है इसमें हम शो करते हैं कि हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं, अपनी कीमती चीज़ की कुर्बानी देते हैं, और क्योंकि हम अल्लाह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो उसमें ये है, दूसरी चीज़ ये है कि शेयरिंग एंड कैरिंग है, कि हम ये नहीं कि हम सिर्फ खुद ही इंजॉय करें, बाकियों को खुशियों में शामिल ना करें। इसी वजह से आई थिंक इसका जो रैशनल जो है ना, जो मीट का डिवीज़न करते हैं, थ्री पार्ट्स बनते हैं, रिश्तेदार, अपने सब रिश्तेदारों को भी, उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जो नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी। ये सिर्फ मीट नहीं है, ये हर चीज़ में ऐसे ही होना चाहिए कि जो नीडी लोग हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, उन्हें पार्ट ऑफ द बिग कम्युनिटी फील करवाया जाए, क्योंकि सारे इंसान हैं, अंडर द स्किन सब एक जैसे हैं। हम ये अल्लाह आजमाता है किसी को दे के, किसी से ले के, तो इसमें कोई बहादुरी, कोई बड़ापन, कोई छोटापन नहीं है। ये अल्लाह ने इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ है और इंसानों को टेस्ट किया जाता है। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आज मौलाना साहब जो ईद की नमाज़ पढ़ा रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमें पहले भी पता है लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से वो बता रहे थे ना, तो वो बहुत अच्छी लगी और दिल को लगी। वो कह रहे थे कि जो हमारे बहुत क्लोज जानने वाले और हमारे चाहने वाले, हमारे माँ बाप या बहन भाई, हमारा कोई भी है, वो इस दुनिया से अगर चला गया तो आप प्लीज़ उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अफसरदा ना हो। जाहिर सी बात है, एक टेम्परेली थोड़ा सा फील होता है, लेकिन जहन में ये रखें, हर बंदे को, हर इंसान को एक दिन मरना है, एक दिन एक जगह पे जाना है, और वो जगह जो है वहाँ पे हमारे जो चाहने वाले वो पहले चले गए हैं। अब ये नहीं है कि वो टाइम से पहले चले गए हैं या उधर नहीं जाना, वो चले गए हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमने भी उधर ही जाना है। तो एक चीज़ तो उसमें हमें खुशी होनी चाहिए कि हम इधर ही नहीं रहे, हम एक दिन मिलेंगे, हमारा ये यकीन है, वो कहीं पे हैं, वहाँ पे हम उन्हें जाके ज्वाइन करेंगे और मिलेंगे। तो एक अच्छा मतलब लगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हमारा कोई जिनको हम बहुत चाहते हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं तो वो हमें दोबारा मिल नहीं पाएंगे, अच्छा लगा मुझे। तो ये जो ईद है इसमें हर बंदे को इन्वॉल्व करके खुशियों में शामिल किया जाए, उनका गम शेयर किया जाए, ये सबसे बेहतर तरीका है और इससे बहुत अच्छा एक फीलिंग भी आती है। आप भी प्लीज़ शेयर करें कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, आप कैसे फील करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।